जाने वाला था ना? आ, तो का है। कल पापा मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ बहुत पहले की बात है जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था तब लाहौर में एक आदमी रहता था था उसका नाम था हीरो पटवारे की आग ऐसी फैली कि रातों रात हीरो को अपने घरवालों को लेकर इंडिया आना पड़ा सारी दौलत जायदाद उस तरफ रह गई और एक रात में अपना हीरो सीरो बन गया मिस्टेक वो जीरा नहीं हुआ वो तो हीरो था ना तो उसने बहुत मेहनत की उसने लकड़ी के मिल में काम किया दुकानों में काम की ना जाने कहाँ कहाँ काम किया अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और एक अच्छा सा मकान बनाया फिर आया उसका बेटा नया हीरो उसने भी बहुत मेहनत की बिजनेस को और बड़ा किया साथ साथ नौकरी भी की अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और पुराने मकान में ढेर सारे और नए कमरे डाले अब आया उसका बेटा अब अब ये अपना हीरो है ठीक है इसने भी मैनेजमेंट लगन इंजीनियरिंग ऑफिस जॉब हाँ बोलो नीचे देखो खुश हो जाओ रोने लगो सब किया सब किया लेकिन एक दिन यहाँ से बहुत खोज दूर दिल और दुनिया के बीच में अपने हीरो को एक साथी मिला साथी ने कहा हाय हीरो ने कहा हेलो साथी ने कहा क्या हालचाल सब ठीक हीरो ने कहा आई एम फाइन थैंक यू हाउ आर यू साथी ने कहा अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो कैसे अरे ऐसी रोबोट वाली आवाज में क्या मतलब मतलब कि अरे रुको जा कहां रहे हो तुम मैं रुक नहीं सकता रुकूंगा तो मर जाऊंगा मर जाऊंगा हाँ मैं रेस में भाग रहा हूं अच्छा तो तो कौन सी रेस है ये मैं नहीं जानता तुम नहीं जानते कौन सी रेस है तो भाग क्यों रहे हो क्योंकि सब भाग रहे हैं इसीलिए मैं भी भाग रहा हूं अरे पर सब क्यों भाग रहे हैं कोई रुक के पूछता क्यों नहीं है क्या अरे क्यों वो क्या होता है वो क्या होता है अरे क्यों क्यों नहीं जानते क्यों अरे क्यों अपना क्यों यू सीम टू है कौन सी रेस है जब तक हम जीत रहे हैं ना फर्स्ट तो आते हो ना रेस में नो सेकंड नो थर्ड नो फोर्थ नो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एथ यू सीम टू रॉन्ग नंबर गाड़ी नंबर सात सौ अस्सी स्टॉप पकेट पासवर्ड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग यानी कि तुम बीच वाले हो बीच में कहीं आते हो हाँ मैं मीडियोकर हूँ आम आदमी रेगुलर ऑर्डिनरी तुम तो बड़ा बड़ा खुश हो रहे हो ऑर्डिनरी बन के हा? लेकिन लेकिन एक बात कहूँ तुमसे मैं मैंने ना तुम जैसा आज तक नहीं देखा अरे मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ मैं स्पेशल फील करती हूँ यार मैं स्पेशल बन जाती हूं तो सोचो तुम क्या होगे मैंने ना तुम जैसा आज तक नहीं देखा तुम्हें तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम कुछ हो कुछ कुछ स्पेशल हो यू सीम टू हैव डायल्ड रोंग नंबर अरे ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे किसी ने नहीं कहा तुमसे ये सुनके। को कुछ याद आता है? वो कहता है हाँ था कोई जो कहता था कि मैं स्पेशल हूं कहता था ना कोई कौन था वो अरे एक सांप था अच्छा हाँ पता है उसका नाम क्या था <laughs> क्या था नाम उसका जरा बताना बचपन मेरा बचपन बहुत ही खतरनाक साहब था मेरा बचपन ऐसे कहीं भी मिल जाता था बाग बगीचों में फूल पत्तियों के पहाड़ में ऐसे फन उठाया और ढसने को तैयार हम तो हम तो बड़े होते ही कुचल डाले उसे वादिय़ा साले को ऐसे पांव रखा उसकी गर्दन में और मर गया बच्चा अब अब ठीक है अब कोई नहीं कहता कि मैं स्पेशल हूँ अब मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता हूँ वही चीज़ करके वॉक स्टॉप स्माइल प्लीज़ ऑर्डिनरी मीडियोकर अरे क्या बकवास है ये तुम अपनी रेस खुद चूज करो ना फिर देखते हैं कैसे फर्स्ट नहीं आते जरूर आओगे फर्स्ट गारंटी है मेरी अरे रुको कहा जा क्या मैं रुक नहीं सकता रुकूंगा तो मर जाऊंगा अरे जरा देखो अपने आप को पहचानो एक दिन पूरी दुनिया पहचानेगी तुम्हें आंखें खोलो अपनी नहीं मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा इसी रेस में भागता रहूंगा इसी रेस में भागता रहूंगा नॉर्मल मीडिया कर वॉक स्टॉप स्माइल प्लीज और ऐसे ही अपना हीरो सीरीज में भागता रहा और एक दिन गया। तो कैसी लगी आपको कहानी पापा एंडिंग सही नहीं है ना एंडिंग सही नहीं है कोई बात नहीं ना पापा अपनी कहानी है एंडिंग बदल लेंगे हम इज आई 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 एम 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 पापा इज सॉरी वापा से मैच नहीं होता आई एम रियली सॉरी लेकिन इस रेस में इस रेस में मैं फर्स्ट आऊंगा मैं जानता हूं